honestly speaking, Rakshit and Rishabh showed me like the path into the industry. They gave me this opportunity. रश्मिका मंदाना जो अपनी पहली फिल्म से फैंस फेवरेट बन गई थी और जिसे फैंस ने नेशनल क्रश के टाइटल से नवाजा है, जिसने सैंडलवुड से लेकर बॉलीवुड के एक्टर्स के साथ काम किया है और जो एक के बाद एक बड़े से बड़े फिल्म्स का पार्ट बनते जा रही है, जिसकी फैन फॉलोइंग सारी पल्लवी एंड समंता से भी ज्यादा है एंड जिसने बहुत ही कम टाइम में काफी ज्यादा स्टारडम एंड सक्सेस अचीव किया है। एंड बाहर से देखने पर सबको यही लग रहा था कि रश्मिका का करियर तो काफी सही जा रहा है, बट सडनली कुछ ऐसा होता है जिसके चलते आज के टाइम में उसके अपने इंडस्ट्री के लोग उसे पसंद नहीं करते और कर्नाटका में उसकी फिल्म्स को बैन करने तक की अपील की गई थी। एंड रश्मिका मंदाना कन्नड़ा इंडस्ट्री से बिलोंग करने के बावजूद अपने अब तक के करियर में उसने सिर्फ 5 ही कन्नड़ा फिल्म की है और पिछले 3 साल से रश्मिका ने एक भी कन्नड़ा फिल्म नहीं की है। इवन रश्मिका के अपकमिंग लाइनअप में एक भी कन्नड़ा फिल्म नहीं है। जहां इंडिया के बाकी स्टेट्स में रश्मिका मंदाना की फैन फॉलोइंग दिन पर दिन बढ़ते जा रही है एंड हर इंडस्ट्री के लोग उसके साथ काम करना चाहते हैं, बट उसकी खुद की कन्नड़ा इंडस्ट्री जहाँ से उसकी शुरुआत हुई है वो अब रश्मिका को एक भी फिल्म ऑफर नहीं कर रही है एंड काइंड ऑफ रश्मिका मंदाना को कन्नड़ा ऑडियंस ने कैंसिल कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रश्मिका मंदाना के कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में और वो क्या रीजन है जिस वजह से कर्नाटका में लोग उसे हेट करते हैं और रक्षित शेट्टी के साथ अपने एंगेजमेंट तोड़ने से लेकर विजय देवरकोंडा के साथ अपने लिंकअप के रूमर्स तक हर चीज के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वो रीजन है जिस वजह से रश्मिका अब किसी भी कन्नड़ा फिल्म में नहीं दिखाई देती। रश्मिका मंदाना का बर्थ 5th अप्रैल 1966 को कर्नाटका के कोडगु डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे शहर विराजपेट में हुआ था। रश्मिका एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है जहां उसकी मॉम सुमन मंदाना एक होम मेकर है, वहीं उसके डैड मदन मंदाना एक इवेंट हॉल ओनर एंड कॉफी स्टेट के मालिक है। और रश्मिका की फैमिली का फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था और उन्होंने अपनी फैमिली में काफी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखे। रश्मिका की लाइफ आज जितनी ग्लैमरस है वैसी हमेशा से नहीं थी। रश्मिका के फैमिली ने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स काफी देखे थे जिसका असर रश्मिका पर भी पड़ा और एक टाइम ऐसा भी आया था जब उनकी फैमिली घर का रेंट तक अफोर्ड नहीं कर पाती थी एंड इसी रीजन की वजह से रश्मिका ने काफी यंग एज में पैसे की इंपॉर्टेंस समझ ली थी और कैसे उसका वाइजली यूज करना ये भी सीख लिया था। रश्मिका ने अपनी स्कूलिंग कॉर्क पब्लिक स्कूल से की है, उसके बाद उसने अपनी बैचलर्स डिग्री कम्प्लीट की है बैंगलोर के MS रामाया कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स से, जहाँ उसने साइकोलॉजी जर्नलिज्म एंड इंग्लिश लिटरेचर चूज किया था। फिर 2014 में रश्मिका ने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की क्लीन एंड क्लियर फेस ऑफ इंडिया कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके, और सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं बल्कि रश्मिका इस कॉम्पिटिशन की टाइटल विनर भी थी एंड इस कंपटीशन का अवार्ड खुद अक्षय कुमार ने रश्मिका को दिया था। इवन रश्मिका को कंपटीशन जीतने के बाद क्लीन एंड क्लियर का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था और ये रश्मिका के करियर का पहला बड़ा ब्रेक था। और इस कंपटीशन को जीतने के बाद रश्मिका को काफी अटेंशन भी मिला एंड रश्मिका को आइडिया भी नहीं था उसके टीचर के कहने पर जिस कॉम्पिटिशन में उसने पार्टिसिपेट किया था वो उसके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था, बिकॉज इसी कॉम्पिटिशन की वजह से रश्मिका कन्नड़ा इंडस्ट्री के एक डायरेक्टर के नोटिस में आती है जो अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए एक न्यू फेस ढूंढ रहा था। सो एक्टर डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने रश्मिका को एक मैगजीन के कवर पेज पे देखते ही अपनी अगली फिल्म के फीमेल लीड के लिए फाइनलाइज कर लिया रक्षित शेट्टी के अपोजिट और फिर रश्मिका को रीच आउट करके ऋषभ शेट्टी ने उसे किरिक पार्टी मूवी ऑफर की एंड ये फिल्म एक कमर्शियल सक्सेस थी। 4 करोड़ के बजट के अगेंस्ट फिल्म ने 50 करोड़ का कलेक्शन किया था एंड ये फिल्म उस टाइम पर कन्नड़ा इंडस्ट्री में इतनी बड़ी हिट थी कि 365 डेज तक मल्टीप्लेक्सेस में चल रही थी। सो किरिक पार्टी के को-स्टार रक्षित शेट्टी के साथ रश्मिका की पेयरिंग फैंस को काफी पसंद आई एंड इन दोनों की रियल लाइफ केमिस्ट्री अब रियल लाइफ में भी चल रही थी। एंड इसी तरह कुछ वक्त डेट करने के बाद 2017 में इन दोनों ने एक प्राइवेट एंगेजमेंट सेरेमनी में अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिया जो कि रश्मिका के होम टाउन कोडगु में हुआ था। सेम ईयर रश्मिका ने 2 और कन्नड़ा फिल्म की अंजनी पुत्रा एंड चमक एंड ये दोनों ही कमर्शियल सक्सेस थी एंड अगर बॉक्स ऑफिस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो रश्मिका को काफी अच्छा स्टार्ट मिला था इंडस्ट्री में। इवन कन्नड़ा ऑडियंस ने भी उसकी फर्स्ट मूवी से उसके लिए एक्सेप्टेंस दिखाया था एंड अपनी हर फिल्म के साथ रश्मिका को और ज्यादा ऑडियंस का प्यार मिल रहा था। तो कन्नड़ा इंडस्ट्री में अपना प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने के बाद 2018 में रश्मिका तेलुगु इंडस्ट्री में डेब्यूट करती है चलो मूवी के साथ एंड ये फिल्म एक कमर्शियल हिट बनती है 3 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 24 करोड़ का कलेक्शन करके। फिर उसी साल रश्मिका एक और तेलुगु फिल्म करती है गीता गोविंदम जिसमें उसके साथ विजय देवरकोंडा थे एंड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे एक ब्लॉकबस्टर सक्सेस रही थी। 5 करोड़ के बजट के अगेंस्ट फिल्म ने 132 CR का कलेक्शन किया था एंड इन दोनों की पेयरिंग ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आई थी और कन्नड़ा इंडस्ट्री के बाद रश्मिका ने अब तेलुगु इंडस्ट्री में भी खुद को एस्टैब्लिश कर लिया था एंड इस फिल्म के बाद रश्मिका एक और तेलुगु फिल्म करती है नानी एंड नागार्जुन के साथ एंड ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर एक कमर्शियल हिट होती है। सो बैक टू बैक 3 कमर्शियल हिट फिल्म दी तेलुगु इंडस्ट्री में रश्मिका ने एंड इसके बाद से ही साउथ इंडस्ट्री में लोग उसे नेक्स्ट बिग थिंग की तरह देखने लगे। और जब सब कुछ सही जा रहा था सेम 2018 में रश्मिका एंड रक्षित के एंगेजमेंट टूटने की एंड ब्रेकअप की न्यूज बाहर आती है और ये न्यूज इन दोनों के फैंस के लिए काफी डिसहार्टनिंग था और इन दोनों ने कभी पब्लिकली अपने ब्रेकअप के पीछे का रीजन डिस्कस नहीं किया। बट ऐसी बातें बाहर आई थी कि रश्मिका अपने करियर को लेकर काफी कंसर्न थी एंड एज ऑफ नाउ वो अपने करियर पे
पे फोकस करना चाहती थी, इसीलिए उसने एंगेजमेंट से स्टेप बैक लिया। और दूसरी तरफ ऐसी भी बातें आई थी कि रक्षित एंड रश्मिका के ब्रेकअप के पीछे का रीजन रश्मिका एंड विजय देवरकोंडा की बढ़ती दोस्ती है। एंड रक्षित के साथ एंगेजमेंट टूटने के बाद रश्मिका को थोड़ा बैकलैश फेस करना पड़ा, बट चीजें ज्यादा खराब नहीं हुई थी बिकॉज सेलिब्रिटीज की लाइफ में ब्रेकअप, डिवोर्स, अफेयर ये बहुत कॉमन है। इवन रक्षित शेट्टी ने ब्रेकअप के बाद भी पब्लिकली किसी भी इंटरव्यू में रश्मिका के बारे में एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं कहा है, इंस्टेड हमेशा रिस्पेक्टफुली एड्रेस किया है। आर रक्षित शेट्टी एंड रश्मिका मंदाना स्टिल इन कांटेक्ट और वी आर इन टच? या ऑब्वियसली, या शी इज डूइंग गुड इन हर केयर एंड फॉर हरसेल्फ। या समटाइम्स यू फेल्ट लाइक ओ शी इज डूइंग नाइस एंड विल फील गुड अबाउट पीपल, राइट? शी हैड बिग, ऑलवेज हैड अ बिग ड्रीम एंड शी इज अचीविंग इट, सो यू शुड ऑलवेज गिव दैट क्रेडिट फॉर हर। बट ऑन द अदर हैंड रश्मिका के साइड से ऐसा लगा कि उसने अपने लोगों को डिसोन कर दिया है, लाइक मेरा इनसे कुछ लेना देना नहीं है, मैं इनके साथ बिलोंग नहीं करती। बिकॉज जैसे ही रश्मिका को तेलुगु इंडस्ट्री में फेम एंड एक्सेप्टेंस मिला, वैसे उसके बिहेवियर में स्लाइट चेंज आ गया था। क्योंकि 2018 में 3 तेलुगु फिल्म करने के बाद 2019 में रश्मिका ने एक कन्नड़ा फिल्म की यजमाना दर्शन के साथ, फिर 3 और तेलुगु फिल्म की, जहाँ डियर कॉमरेड में रश्मिका एंड विजय फिर से एक बार स्क्रीन शेयर कर रहे थे, महेश बाबू के साथ भी एक फिल्म की जो कि कमर्शियल हिट थी, एंड तीसरी तेलुगु फिल्म थी भीष्मा। फिर 2021 में रश्मिका ने अपनी 5th एंड लास्ट कन्नड़ा फिल्म की पोगुरु, एंड सेम ईयर रश्मिका ने तमिल इंडस्ट्री में डेब्यूट किया कार्तिक की मूवी सुल्तान के साथ, एंड फिर अल्लू अर्जुन के साथ पुष्पा में रश्मिका हमें दिखाई देती है। एंड ये अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका की भी पहली पैन इंडिया फिल्म थी, एंड अब तक रश्मिका एक काफी बड़ा नाम बन चुकी थी, फैंस की फेवरेट बन चुकी थी, एंड नेशनल क्रश का टाइटल भी मिल चुका था, एंड इंटरनेट पे हर दूसरा रील रश्मिका पर कोई एडिट होता था। स्पेशली रश्मिका का एक अवार्ड शो के एक्सप्रेशंस वाला रील काफी वायरल हुआ था। सिर्फ रश्मिका को पैन इंडिया लेवल पे सबसे पहला मेन स्ट्रीम अटेंशन मिला तेलुगु मूवी के हिंदी डब वर्जन की वजह से, स्पेशली डियर कॉमरेड मूवी की वजह से। एंड फॉर द लॉन्ग टाइम रश्मिका को लोग तेलुगु इंडस्ट्री की एक्ट्रेस समझते थे, बट विद टाइम लोगों को पता चला कि रश्मिका की पहली मूवी किरिक पार्टी थी। एंड अब तक रश्मिका ने कन्नड़ा इंडस्ट्री एंड कन्नड़ा ऑडियंस को निग्लेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। इवन रश्मिका ने अपना हिंदी डेब्यू भी कर लिया था गुड बाय मूवी के साथ। एंड अगर लॉजिकली देखा जाए तो हिंदी, तेलुगु एंड तमिल इंडस्ट्री का बॉक्स ऑफिस अपील कन्नड़ा इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो रश्मिका ने भी काफी स्मार्ट प्ले करना स्टार्ट कर दिया था बड़े इंडस्ट्री की फिल्म साइन करके। एंड कंपैरेटिवली इन इंडस्ट्री की फिल्म्स का बजट भी ज्यादा होता है, जिस वजह से कंपैरेटिवली रश्मिका को बड़ा पेचेक भी मिलता है। तो रश्मिका ने वही फिल्म साइन किए जो उसके लिए बेनिफिशियल थे कि लेट्स परफॉर्म फॉर अ बिगर क्राउड। देखो रश्मिका अपने करियर के लिए बड़े फिल्म्स चूज कर रही थी, इसमें कुछ गलत नहीं था, बट अपने लोगों को भूल जाना या जहाँ से आपकी शुरुआत हुई है उसे एक्नॉलेज ना करना ये सही नहीं है। और रश्मिका का यही बिहेवियर कन्नड़ा ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लाइक कन्नड़ा फिल्म ना करना, कन्नड़ा बैकग्राउंड होने के बाद भी कन्नड़ा ना बोलना। अब आप पुष्पा मूवी का कन्नड़ा वर्जन देख लो, उसमें रश्मिका ने नहीं बल्कि किसी और ने डब किया शिवली के कैरेक्टर के लिए। और एक बार के लिए हम ये समझ भी सकते हैं कि मे बी रश्मिका का कन्नड़ा एक्सेंट शिवली के कैरेक्टर को सूट नहीं कर रहा था, इसीलिए किसी और से डब कराया। बट जब ऋषभ शेट्टी की कांतारा मूवी एक मेजर सक्सेस बनी थी पैन इंडिया लेवल पर, तभी रश्मिका के साइड से कोई सपोर्ट देखने नहीं मिला था। जबकि केजीएफ के बाद कांतारा हैज बीन द अदर बिग थिंग फॉर कन्नड़ा इंडस्ट्री, तो रश्मिका के कन्नड़ा फैंस रश्मिका से इतना तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट वो पोस्ट ना सही एक स्टोरी डाल दे इंस्टाग्राम पे कांतारा मूवी को सपोर्ट करने के लिए। बट रश्मिका के साइड से वो सपोर्ट नहीं आया, जबकि ऋषभ शेट्टी रश्मिका के फर्स्ट फिल्म के डायरेक्टर थे। एंड जब मीडिया के किसी पर्सन ने रश्मिका से पूछा कि क्या आपने कांतारा मूवी देखी, तो उस पर रश्मिका का रिएक्शन कुछ ऐसा था। रश्मिका जी आपने देखी कांतारा मूवी देखी? और रश्मिका के इस आंसर पर व्यूअर्स का रिएक्शन कुछ ऐसा था। रक्षित एंड ऋषभ शेट्टी लॉन्च हर इनटू द फिल्म इंडस्ट्री विद अ कल्ट कॉलेज मूवी किरिक पार्टी एंड शी डजंट हैव टाइम टू वॉच हर फर्स्ट डायरेक्टर्स ब्लॉकबस्टर सेज अ लॉट। और ये सब काफी नहीं था, तो जब रश्मिका से एक इंटरव्यू में पूछा गया अपने जर्नी के बारे में, तो रश्मिका का आंसर कुछ ऐसा था। नॉर्मल कॉलेज लाइफ एंड एवरीथिंग एंड सडनली आई गॉट दिस कॉल फ्रॉम दिस प्रोडक्शन हाउस अपेरेंटली and I didn't believe because I was like, oh, this is the prank call. Means literally Rashmika ne na Rakshit and na hi Rishabh ka naam mention kiya. Aur ye in a way kaafi disrespecting hai. Means wo un logon ki respect nahi kar rahi hai jinhone use launch kiya hai, jinhone use apna pehla break diya hai. And in sari incident ki wajah se things got worse for Rashmika because Kannada audience use kaafi troll karne lagi and uske towards kaafi hate show kiya. Just like ki agar wo hum logon ko disown kar rahi hai to hum bhi use disown karte. Ki agar wo hamari value nahi karti to hum bhi uski value nahi karenge. Kind of that. Genuinely major Kannada audience Rashmika ke in behavior ki wajah उसे हेट करती है। बट आई हैव टू से कि ऋषभ शेट्टी ने भी काफी सैवेज रिप्लाई दिया था रश्मिका को। आप एक क्लिप देख लो। देयर समंथा, देयर रश्मिका, देयर कीर्ति सुरेश, साई पल्लवी, दीज आर सम ऑफ द एक्ट्रेसेस हु आर रियली नोन इन दिस साइड ऑफ द फ्रेटर्निटी। इनमें से अगर आपको चूज करना पड़े, आप किसको, किसका काम ज्यादा पसंद करते हो एंड हु डू यू वांट टू वर्क विद नेक्स्ट इफ यू हैव टू? और ये आप जो लिस्ट दिया है उसमें मुझे ज्यादा इंग्लिश टाइप ऑफ एक्ट्रेस को आई डोंट लाइक देम, लेकिन ये साई पल्लवी जी और समंता जी का जो काम बहुत अच्छा लगता है मुझे। देयर आर द टू आर्टिस्ट
एंड ऐसी एक और इंटरव्यू में ऋषभ शेट्टी ने रश्मिका का नाम कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था. रश्मिका मंदाना या समांथा, द एक्ट्रेस जो आप चाहेंगे कि आपके साथ जल्द से जल्द काम करें. समांथा, आई लाइक हर परफॉर्मेंस, सो और ये ट्रस्ट है मेरा. एंड इस इंसिडेंट के बाद से कनाडा ऑडियंस ने अपील की थी कि रश्मिका की फिल्म कर्नाटक में बैन कर दो एंड कोई भी उसे कनाडा फिल्म्स के ऑफर मत दो. इस लेवल तक कनाडा ऑडियंस रश्मिका से हर्ट एंड डिसअपॉइंट हो चुके थे. एंड टिल डेट रश्मिका को कनाडा ऑडियंस की तरफ से मेजर हेट एंड ट्रोलिंग फेस करना पड़ता है. एंड इस हेट एंड ट्रोलिंग की शुरुआत रक्षित शेट्टी के साथ एंगेजमेंट टूटने के बाद से शुरू हुई है. बिकॉज रक्षित शेट्टी कनाडा इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एक्टर्स में से एक है एंड उनके लॉयल फैंस ने रश्मिका को ट्रोल करना शुरू किया था उसे अनग्रेटफुल कहकर. और कुछ लोगों ने उसे अपॉर्चुनिस्ट कहा जो अपने फायदे के लिए रिलेशनशिप का इस्तेमाल करती है. और वही दूसरी तरफ रश्मिका एंड विजय के लिंकअप्स के रूमर भी बाहर आने लगे. बट इन दोनों ने कभी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया है कि दोनों डेट कर रहे हैं. बट एवरी नाउ एंड देन ये दोनों साथ में स्पॉट होते रहते हैं, कभी वेकेशन पर तो कभी लंच पर. एंड ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि जब से रश्मिका मंदाना की पॉपुलैरिटी बढ़ी है तब से उसने कनाडा इंडस्ट्री की फिल्म्स करना बंद कर दिया. एंड अब ये काइंड ऑफ म्यूचुअल हो चुका है कि रश्मिका कनाडा ऑडियंस के लिए फिल्म करना नहीं चाहती एंड कनाडा ऑडियंस भी उसकी फिल्म देखना नहीं चाहती, जिस वजह से रश्मिका मंदाना कोई भी कनाडा फिल्म में अभी दिखाई नहीं देती एंड उसे कोई भी कनाडा फिल्म ऑफर नहीं होती. एंड इवेंचुअली ऐसे ही लगता है कि कनाडा ऑडियंस ने रश्मिका मंदाना को अब कैंसिल कर दिया. अब रश्मिका के कंपैरिजन में मैं आपको यश एंड ऋषभ का अप्रोच दिखाता हूँ पैन इंडिया पॉपुलैरिटी मिलने के बाद. जब रश्मिका मंदाना पॉपुलैरिटी मिलने के बाद कनाडा इंडस्ट्री से दूर हो गई, वही यश एंड ऋषभ ने अपने इंटरव्यूज में यही कहा है कि वो कनाडा फिल्म्स ही बनाना चाहते हैं, उसी इंडस्ट्री से वो बिलोंग करते हैं एंड कनाडा इंडस्ट्री को ही वो बड़ा करना चाहते हैं एंड वो अपने लोगों को और प्राउड फील कराना चाहते हैं. तो रिगार्डलेस ने कितनी बड़ी सक्सेस क्यों ना मिली हो, उन्होंने अपने लोगों को हमेशा सबसे पहले एक्नॉलेज किया है. और ये डिफरेंस है रश्मिका, यश एंड ऋषभ के एटीट्यूड में, जिस वजह से कर्नाटका में रश्मिका मंदाना को हेट किया जाता है. और रश्मिका के जैसा सेम केस प्रशांत नील के साथ भी हुआ है. बिकॉज केजीएफ की सक्सेस के बाद प्रशांत नील ने प्रभास के साथ सलार बनाई एंड जूनियर एनटीआर के साथ एनटीआर 31 बना रहे. और देखा जाए तो प्रभास एंड जूनियर एनटीआर दोनों ही तेलुगु इंडस्ट्री के एक्टर्स है. तो सेम वही केस हुआ है कि प्रशांत नील भी अपने इंडस्ट्री को छोड़ के दूसरी इंडस्ट्री में जा रहे. और यहाँ पे एसएस राजामौली मुझे काफी सही लगता है बिकॉज वो अपने लोग एंड अपने रूट्स को कभी पीछे नहीं छोड़ते. क्योंकि बाहुबली के सक्सेस के बाद एसएस राजामौली चाहते तो इंडियन सिनेमा की किसी भी बड़े से बड़े एक्टर के साथ फिल्म कर सकते थे, लिटरली इंडियन सिनेमा के किसी भी इंडस्ट्री के एक्टर के साथ वो काम कर सकते थे. बट स्टिल एसएस राजामौली ने अपनी तेलुगु इंडस्ट्री से जूनियर एनटीआर एंड रामचरण के साथ अपनी अगली फिल्म बनाई RRR. एंड अब जो एसएस राजामौली की नेक्स्ट फिल्म आने वाली है वो भी वो महेश बाबू के साथ कर रहे हैं जो कि तेलुगु इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं. ऐसा नहीं है कि एसएस राजामौली की फिल्मों में दूसरे इंडस्ट्री के एक्टर्स काम नहीं करते, काम करते हैं. बट एसएस राजामौली ने अपनी फिल्म्स के लीड हीरो हमेशा तेलुगु इंडस्ट्री से चूज किए. तो जैसे प्रभास के बाद एसएस राजामौली ने रामचरण एंड जूनियर एनटीआर को बड़े स्टार्स बनाया, इन द सेम वे प्रशांत नील भी यश के बाद किसी और कन्नड़ एक्टर को एक बड़ा स्टार बना सकते थे. बट इंस्टेड प्रशांत नील ने ऑलरेडी एस्टैब्लिश एक्टर प्रभास एंड जूनियर एनटीआर के साथ काम करना चूज किया. और इसी रीजन की वजह से कन्नड़ इंडस्ट्री के लोग प्रशांत नील से डिसअपॉइंटेड हुए कि अपने इंडस्ट्री के लोग फेम मिलने के बाद दूसरी इंडस्ट्री में जा रहे तो अपनी कनाडा इंडस्ट्री आगे कैसे बढ़ेगी, जो कि काफी वैलिड पॉइंट है अगर कनाडा इंडस्ट्री के फैंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए. एंड फिर इसीलिए भी ऑडियंस उन आर्टिस्ट को हेट करती है जो अपनी इंडस्ट्री छोड़कर किसी और इंडस्ट्री में जाते हैं कि ये लोग अपने नहीं हो सके तो किसी और के क्या होंगे. एंड जब भी कोई आर्टिस्ट अपने डाउनफॉल में इंडस्ट्री चेंज करता है या फिर ऐसा कोई स्टेप लेता है तो वो चीज इतना हाईलाइट नहीं होती. बट जब आपके पास सक्सेस आया हो एंड तब आप ऐसा कोई स्टेप लेते हो तब वो चीज काफी हाईलाइट होती है कि थोड़ी पॉपुलैरिटी से क्या मिल गई, इसके तो तेवर बदल गए. तो रश्मिका मंदाना का केस भी कुछ ऐसे ही है कि उसने अपने लोगों की वैल्यू नहीं की इसीलिए अब वो लोग उसकी वैल्यू नहीं कर रहे, जिस वजह से कनाडा ऑडियंस की साइड से रश्मिका को मेजर हेट एंड क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है. सो यही थे वो सारे रीजन जिस वजह से कर्नाटका में लोग रश्मिका मंदाना को हेट करते हैं. बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन रश्मिका मंदाना को लेकर, रश्मिका मंदाना का जो एटीट्यूड है जहां से उसकी शुरुआत हुई थी उन्हीं लोगों को निग्लेक्ट करना सही है या फिर गलत, तो आपको जो भी ओपिनियन है कमेंट में जरूर शेयर कर देना. एंड इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हुए, सिनेमा से जुड़े सारे फंडे आपके सामने पेश करेगा कैप्टन संडे.